हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। मैं हूँ एजे, फिर से स्वागत करता हूँ एक नए ब्लॉग में। तो मेरे पास अभी बोया का BY-M1 माइक है, जो कुछ इस तरह से आया है, फ्लिपकार्ट से आया है। देन आप लोगों को पता होगा कि कुछ दिन पहले जो है बिग मिलियन डे चल रहा था फ्लिपकार्ट में, तो मैं वहीं से इससे परचेस किया हूँ। देन इसका मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ, तो चलिए इसको देख लेते हैं। तो चलिए इसका जो है अनबॉक्सिंग करते हैं। तो ये कुछ यहाँ से खुल जाएगा आई थिंक, इसको ओपन करते हैं। ये रहा हमारा वो मेन बॉक्स, बोया का ब्रांडिंग दिया गया, जिसमें ये बोया BY-M1 का माइक है। एंड इसे मैंने फ्लिपकार्ट से परचेस किया था बिग विलियन डे में। सो ये मेरे को अप्रोक्स 700 के करीबन पड़ गया था, और हर यूट्यूबर का फेवरेट माइक है ये। और इसका वायर जो है बहुत काफ़ी सही आता है। और इसके पीछे देख लेते हैं, इसके पीछे कुछ फीचर्स दिया गया है और स्पेसिफिकेशन दिया गया है। देन काफ़ी सही माइक है ये। अब देख लेते हैं इस बॉक्स के अंदर हमें क्या क्या देखने को मिल जाता है। तो ये पैकेट कुछ निकला इस तरह से। ये पैकेट के अंदर मुझे दिखाई दिया फॉर्म, विंड स्क्रीन एंड 1/4 ऑडियो एडेप्टर भी इसमें है। एंड एक है आपका बैटरी मिलता है, जो सेल बैटरी है, LR44 का बैटरी है। और ये लेपल क्लिप मिलता है, जो मेटल का है ये। देन यहाँ पर जो है हमारा मेन जो है नॉइज़ कैंसिल करता है फॉर्म, विंड स्क्रीन ये है, जो माइक के ऊपर लगता है। देन इसको भी साइड में रखते हैं। देन अभी चलते हैं अगले प्रोसेस। अब हम लोग को दिखाई देता है ये कैरिंग पाउच है, जो बोया प्रोवाइड करती है। बोया की तरफ से बोया की ब्रांडिंग है, काफ़ी सही है और मेरे को काफ़ी सही लगा। और इसमें एक बोया की तरफ से मिलता है क्वालिफाइड सर्टिफिकेट है ये। और फिर चलते हैं, ये हमारा जो है इंग्लिश मैनुअल यूज़र दिया गया है इसमें, जो आप मैनुअली इसको यूज़ कैसे करना है वो इसमें दे दिया गया है। तो काफ़ी सही है ये, इस तरह से मिलता है। जो भी हो, इस प्राइस में काफ़ी सही माइक दे रहा है, इतना कुछ दे रहा है, काफ़ी सही है। ये हमारा माइक है। देन ये कुछ 360 डिग्री का साउंड जो कैप्चर करता है। और ये है एक कैमरा मोड दिया गया है, आप अगर DSLR यूज़ करते हो तो इसका जो स्विच है ऊपर कर देना होगा। और ये जो है स्मार्टफोन के लिए, ये कुछ इस तरह से। देन मैं तो स्मार्टफोन में यूज़ करूँगा इसको, तो मैं काफ़ी सही है। एंड इसका जो सेटअप है, सेटअप देख लेते हैं। चलिए सेटअप देखते हैं। ये हम लोग का लेपल क्लिप है, जो मेटल का आता है। ये इसको ओपन करते हैं, तो पूरा तरीके से हम लोग सेटअप करने वाले हैं। ये देखो, काफ़ी सही क्वालिटी है, ज़बरदस्त क्वालिटी देता है। इतना कम प्राइस में इतना अच्छा क्वालिटी प्रोवाइड करता है। इसको यहाँ लगाना है, इस तरह से कुछ लगाना है। आप उल्टा सीधा जगह में ना लगाए, नहीं तो क्लिप जो है टूट जाएगा। तो कुछ इस तरह से जो है लग जाएगा ये कॉलर में जाने के लिए, कॉलर में यूज़ करने के लिए। आप कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। ये है हमारा फोम विंड स्क्रीन, से भी हम लोग इंस्टॉल कर देंगे। हाँ, ये कुछ इस तरह से यूज़ करना है। कि सही है यार, मुझे तो काफ़ी सही लग रहा है। और इसका वायर देख लो, कितना लंबा वायर है ये। ये मैक्सिमम जो 6 mm का वायर है, और 20 फीट तक आप इसका यूज़ कर सकते हो। काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग है इसका वायर, मुझे काफ़ी सही लगा इसका वायर। तो चलते हैं, ये हमारा कुछ सेटअप इस तरह से तैयार होता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। जी हाँ दोस्तों, अब मैं बता दूँ, ये बैटरी जो हमारे पास बैटरी है, LR44 का जो बैटरी है, ये हम यूज़ करेंगे। ये आपको पता नहीं था ये कहाँ यूज़ करना है इस बैटरी का। तो इस बैटरी का यूज़ करना हमारे जो माइक में कंडेंसर दिया गया है। और ये जो है, ये कंडेंसर पूरा ही मतलब प्लास्टिक बॉडी नहीं है, इसमें एल्युमिनियम बॉडी है। इस तरह से जो है कुछ इस तरह से आपको ओपन करना है, देखो। तो ये रहा हमारा, कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा। और इसके अंदर जो है बैटरी इनबिल्ट होगा। आप स्विच टू कैमरा मोड करिएगा, तब जाके आपका बैटरी जो है ये बैटरी में काम करता है। स्विच टू कैमरा मोड जब आप ऑन कीजिएगा इसका, तो यहाँ जो है बैटरी आपको इनबिल्ट करना होगा। इस जगह दिखा देता हूँ, एक मिनट। ये रहा बैटरी, LR44 का बैटरी है हमारा। अब इसमें जो है इसको कुछ इस तरह से इनबिल्ट कर देना है। और देन इसको जो है वाला कैप को है कुछ इस तरह से लगा देना है। अब ये हमारा जो है, ये जैसे मैं कैमरा में करूँगा, यहाँ देख रहे हो ये ग्रीन वाला, ये कैमरा में हो गया। और ये वाला जो है फ़ोन, अगर मैं फ़ोन से शूट करूँगा तो इसे फ़ोन मोड कर दूँगा, वैसे कैमरा से शूट करूँगा तो कैमरा मोड भी मैं ऑन कर दूँगा। काफ़ी सही माइक है।
और हाँ, ये हर यूट्यूबर का सबसे बेस्ट माइक है। एंड बस आपको डिस्क्रिप्शन के नीचे मैं इसका लिंक दे दूंगा। और इसका वॉइस तो आप लोग सुन रहे हो, इसका वॉइस कैसा है आप इसका वॉइस भी सुन रहे हो, ये काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ को रिड्यूस करता है। ये माइक का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और मुझे कमेंट करना एंड सब्सक्राइब करना। इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को क्लिक करना। बस अभी तक के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद एंड वंदे मातरम। Yeah.